डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बताना चाहेंगे, रीचेक रिजल्ट को भी लेकर अपडेट भी आई है और ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम आपके दिसंबर में होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार आए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो BTUP से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। सेवा में सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, है ना, प्राविधिक शिक्षा परिषद, और देखिए सभी राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों को लिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जरा ध्यान से, 28 तारीख 11 महीना 2022 को नोटिस निकल के आई है 28 नवंबर के लिए। विषय अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर पाठ्यचर्या पूर्ण कराए जाने के संबंध में, इसका मतलब देखिए इस नोटिस में बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है, आप लोगों के एग्जाम दिसंबर में ही होगा। रिजल्ट कब आएगा, कल परसों तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो भी मैं क्लियर कट बता देता हूं। यहां पर आप देखिए महोदया, यहां पर देखिए महोदया, आपको अवगत ही है कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा, देखिए विषम सेमेस्टर परीक्षा जो आपकी है दिसंबर 2022 में प्रस्तावित है। इसका मतलब ये अभी तक आपका बोर्ड है वो दिसंबर 2022 से ही आपका एग्जाम कराएगा उसके अनुसार, ठीक है, दिसंबर 2022 से ही बोर्ड है अपना एग्जाम कराएगा इस नोटिस के अनुसार। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, कल की डेट में नोटिस आया है 28 तारीख के लिए, देख सकते हो दिसंबर 2022 से आपके एग्जाम प्रस्तावित है, है ना। इस हेतु छात्र छात्रों को पठन पाठन क्रिया है वो समय अंतर्गत पूर्ण कराना है, है ना, पूर्ण कराई जानी है जो पाठ क्रिया आप लोगों की। अतः आप सभी को यहाँ पर दृष्टिगत किया जाता है कि प्रतिदिन कक्षाएं जाएं और संचालित करवाएं, ठीक है, साथ साथ अवकाश यानी छुट्टी वाले दिन भी आपकी क्लासेस चलेंगी। अब सभी के लिए नोटिस भेज दिया गया है सभी कॉलेजों, जिसके अंतर्गत आपका पाठ्यचर्या पूरा हो सके। अतः इस नोटिस का मतलब ये निकलता है कि आपके एग्जाम है वो दिसंबर में ही होंगे। इस नोटिस तो भैया ऐसा ही लग रहा है कि आपके एग्जाम में पूर्णतः दिसंबर में होंगे। अब आगे क्या होता है, बोर्ड कोई डिसीजन लेता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप भैया दिसंबर की तैयारी करो, तैयारी में लग जाओ और 26 दिसंबर से आपके एग्जाम होंगे इस नोटिस के अनुसार। अगर बाद में कोई नोटिस आता है वो तो अलग की बात है, लेकिन जो नोटिस आया है इसके अनुसार आपके एग्जाम है वो 26 दिसंबर से होंगे, ठीक है। तो तैयारी में लग जाओ, मैं भी आपके लिए क्लासेस चलाऊंगा, है ना, मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, सचिव के सिग्नेचर भी आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं बच्चों के जो रिक्वेस्ट आती रहती है रीचेक रिजल्ट, पहली बार है बेटा सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले ऑथेंटिक मिल सके, और टेलीग्राम पर रीचेक रिजल्ट भी मैं यहाँ पर दे दूंगा आपको सबसे पहले, है ना, और यहाँ पर आपको मॉडल पेपर की PDFs भी दी जाएंगी, ठीक है। अब बच्चों को जो क्वेश्चन आ रहे हैं सर रीचेक रिजल्ट को लेकर अपडेट दीजिए, तो फाइनली मैं आपको बता दूं रीचेक रिजल्ट को लेकर अभी अपडेट यही है कि कल 30 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जा सकता है, हो सकता है आज रात में रीचेक रिजल्ट आ जाए, कंफर्म कुछ भी नहीं है। BTUP कभी भी कुछ कर सकता है, आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। ये बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आते हैं सर रीचेक रिजल्ट आखिर आएगा कब, मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है, आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा। कल उम्मीद है कि काफी बच्चों की रिजल्ट, यहां पर रिजल्ट का लिंक आएगा रीचेक रिजल्ट का, कल नहीं आया तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आएगा, ऐसा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम डेट भी आपकी लगभग करीब आ चुकी है, तो हो सकता है कल नहीं तो ये परसों या कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है रीचेक का, यहीं पर लिंक आएगा, लेकिन अभी लिंक आया नहीं, यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, परेशान ना हो, जैसे ही रिजल्ट आएगा, है ना, कल 30 को तो 100% चांस है कि आ जाए, कल नहीं आया तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आएगा। तो ये सारी नोटिस में मैंने आपको बता दिया, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।